यह पहली बार नहीं है कि ट्रांसजेंडर एथलीटों ने बोस्टन मैराथन में भाग लिया है। यही कारण है कि यह अभी भी मायने रखता है। बोस्टन मैराथन ने हाल के दिनों में ट्रांसजेंडर दवा के शामिल होने के लिए सुर्खियों में काम किया है, लेकिन आयोजकों का मानना है कि वे वास्तव में कई सालों के लिए भाग ले रहे हैं। हमें यह अपेक्षा नहीं होती कि धावक हमारे साथ अपने लिंग पहचान का इतिहास बताते हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हमारी दौड़ में कितने ट्रांस धावक हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अतीत में कई ट्रांसजेंडर धावक होते हैं। ठीक है, स्केंड्रियन बोस्टन एथलेटिक एसोसिएशन के लिए संचार निदेशक, जो वार्षिक रेस आयोजित करता है, अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट में ट्रांसजेंडर मैराथन धावक अमेलिया गैपिन ने कहानी की सनसनीखेज जानकारी के लिए मीडिया की आलोचना की और इस तथ्य की अनदेखी की कि बोस्टन की नीति नई नहीं थी। ट्रांस लोगों को आमतौर पर काम करने से कोई बड़ा सौदा नहीं होता है। अधिकांश भाग के लिए हम सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर रूप में जीते हैं क्योंकि समाज हमें अनुमति देता है। हम करते हैं। अगर आप कुछ को पहली बार ट्रांसजेंडर के रूप में घोषित करते हैं, लोगों बहुत संदिग्ध हो, उन्होंने लिखा। लेकिन ट्रांसजेंडर धावक कई सालों तक प्रसिद्ध मैराथन में भाग ले रहे हैं, लेकिन खेल में पूरी तरह से शामिल होने की बाधाएं अब भी बनी हैं और यह वही है जो उम्मीदवारों की आशा है कि कवरेज की हाल की लहर पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मानवाधिकार अभियान के लोक शिक्षा और अनुसंधान निदेशक एश्लम जॉनसन ने कहा, उम्मीद है एक दिन हमें इन खेलों में शामिल किए जाने के प्रयासों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक खेल में अधिक संस्थान अपनी नीतियों को अपडेट नहीं करते या उनकी छवि को बदलते हैं, हमें हर खेल में शामिल करने के प्रयासों को उजागर और जश्न मनाने की आवश्यकता होगी। कई वर्षों से डर और भेदभाव ने दौड़ में खुले तौर पर भाग लेने से ट्रांसजेंडर एथलीटों को रखा था, जॉनसन ने कहा। इसके कुछ हिस्सों में यह बहस हुई कि क्या उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तरों के कारण ट्रांसजेंडर महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में बढ़त थी। कुछ वाद विवाद खेल के प्रमुख शासी निकायों द्वारा किए गए समय के लिए तय किए गए हैं, जो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को भाग लेने का मौका नहीं दिया जा सकता जब तक वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। यूएसए ट्रैक और फील्ड ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नीति का अनुसरण करता है। उन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एथलीट्स को जन्म के समय पुरुष को पहले टेस्टोस्टेरोन स्तर से कम 12 महीने पहले अपनी प्रतिस्पर्धा और पात्रता अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम से कम रहना चाहिए। एथलीटों को घोषित होना चाहिए कि उनका लिंग कम से कम 4 वर्ष तक महिला है। शल्य क्रियात्मक परिवर्तन भागीदारी के लिए एक शर्त नहीं है, जहां पुरस्कार या नकदी के ढेर में नहीं है। यूएसएटीएफ की नीति कहती है कि दौड़ के निचले स्तर पर प्रविष्टियों को स्वीकार करने के लिए दौड़ निदेशकों और प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करती है। पुरस्कार कब तक ले जाते हैं? बोस्टन एथलेटिक एसोसिएशन यूएसएटीएफ के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, स्केंड्रियन ने कहा। मार्गदर्शन का उद्देश्य एक स्तर के खेल मैदान को सुनिश्चित करना है, जॉनसन ने कहा। लेकिन यह संदिग्ध धारणा से पैदा होता है कि पुरुष हमेशा महिलाओं को बाहर कर देंगे, जब विज्ञान स्पष्ट नहीं होता कि अकेले टेस्टोस्टेरोन धावक को प्रतिस्पर्धा में बढ़त देता है। तो उसने कहा, वे एक बात पर आधारित एक फायदा मान रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि एक विशेषता आपको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है, उसने कहा। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों का निर्माण करता है, जो एक कारक है जो गति को प्रभावित करता है, लेकिन यह केवल एक ही नहीं है, बाल चिकित्सा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लेस्पाइन ने कहा।
जो ट्रांसजेंडर चिकित्सा देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। मैरीलैंड में चेस ब्रेक्सटन हेल्थ केयर में युवा कार्यक्रम के लिंग यात्रा के मेडिकल निदेशक पायन। ट्रांसजेंडर और लैंगिक विविध युवाओं के लिए कार्य करने वाले पाइन मेडिकल डायरेक्टर। ट्रांसजेंडर महिलाओं को एस्ट्रोजेन बढ़ाने के लिए हार्मोन उपचार शुरू करने के बाद वे टेस्टोस्टेरोन से किसी भी प्रतियोगी लाभ को खो देते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर लोग अपने नस्ल के परिणामों में सुधार करने के लिए हार्मोन नहीं लेते हैं। वे अपनी समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, उन्होंने कहा। यह व्यक्तिगत कारणों के लिए संक्रमण की गहरी बैठने की वजह से है, उसने कहा। ऐसा नहीं है कि वे शौकिया प्रतियोगिताओं में कुछ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में प्रतिद्वंद्वियों के एक छोटे समूह की पुलिस की तुलना में अधिक चिंताएं होनी चाहिए, जैसे एथलीटों में असली डोपिंग और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में उनके लिंग की परवाह किए बिना। बोस्टन एथलेटिक एसोसिएशन को अपने लिंग को साबित करने के लिए मेडिकल दस्तावेज प्रदान करने के लिए पंजीयक की आवश्यकता नहीं है, स्केंड्रियन ने कहा, लेकिन उनकी सरकार द्वारा जारी पहचान पर लिंग मार्कर को उनके पंजीकरण फॉर्म में से एक के साथ साथ उनकी क्वालिफाइंग रेस में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दस्तावेजों की आवश्यकता कुछ ट्रांसजेंडर और लैंगिक गैर खिलाड़ी एथलीटों के लिए बाधा हो सकती है, गैपिन मैराथन धावक ने कहा। कुछ राज्यों को लिंग बदलने के लिए लिंग पुनर्गठन सर्जरी की आवश्यकता होती है, मैसाचुसेट्स उनमें से एक नहीं है, लेकिन कई बोस्टन मैराथन धावक अपनी सीमाओं से परे आते हैं। अन्य राज्यों को हार्मोन पर न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होती है, इसमें कम से कम एक चिकित्सक का नोट वापस लेने के लिए होता है। इनमें से सभी समय और धन लेते हैं, जो कि कठिन हो सकता है। गैपिन, जो न्यू जर्सी में रहता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है, ने कहा कि उसे दस्तावेजीकरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका लिंग बोस्टन की नीति के बारे में कई समाचारों का ध्यान केंद्रित हो गया। गैपिन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, हम झूठी फर्स्टरों की इस नरक को जीवित रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शिरोमणि के लोगों को ट्रांसजीवन की चपेट में आना पड़ता है। वे इसे एक प्रेक्षक के खेल की तरह मानते हैं। ऐसा कुछ जो हर समय होता है वह बहुत दिलचस्प नहीं है, लेकिन पहली बार कहानी के लिए बनाता है। उसने स्वीकार किया कि समुदाय के लिए दृश्यता अच्छा है, लेकिन हर सकारात्मक प्रतिक्रिया एक बदसूरत नकारात्मक टिप्पणी के साथ आती है, जो अपने अस्तित्व को अस्वीकार करने की कोशिश करती है, उसने कहा। न तो यह और न ही मौसम मेरे अनुभव को कम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग बहुत अधिक दयालु हो सकते हैं।